कंप्यूटर नेटवर्क्स टॉप एंड वेट एआरक्यू। इस वीडियो में हम करेंगे जो लास्ट में हम कर चुके हैं ऑलरेडी वीडियो में, जो स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल है उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है वो भी डिस्कस करेंगे और स्टॉप एंड वेट एआरक्यू क्या होता है वो भी करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉब्लम जो होती है स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल में वो होती है प्रॉब्लम ऑफ लॉस्ट डाटा पैकेट। वो क्या होता है, सी दिस इज द सेंडर एंड दिस इज द रिसीवर। ठीक है, सेंडर ने कोई भी डाटा पैकेट सेंड किया, रिसीवर ने अपने एंड पर रिसीव किया और एक्नॉलेजमेंट सेंड किया जो कि सेंडर ने रिसीव किया। बट यहाँ पर स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल में क्या होता है कि जब कोई भी डाटा सेंड होता है और रिसीवर जो है एक्सेप्ट करता है और उसको एक्नॉलेजमेंट भेजता है कि अभी मैं फ्री हूँ और डाटा पैकेट आप सेंड कर सकते हो। ठीक है, बट अगर कहीं पर बीच में डाटा जो है लॉस्ट हो जाए, ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने दिखाया है कि जब नेक्स्ट जो पैकेट है वो सेंड किया सेंडर ने वो कहीं लॉस्ट हो गया, ठीक है, तो स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल क्या कहता है कि जब तक कि सेंडर को रिसीवर की तरफ से एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलेगा ये और पैकेट सेंड नहीं करेगा। ठीक है, और रिसीवर भी तभी एक्नॉलेजमेंट भेजेगा जब उसको डाटा पैकेट रिसीव होगा, राइट। तो यहाँ पर अगर ये सेकेंड जो डाटा है वो कहीं लॉस्ट हो जाता है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा कि जो रिसीवर है वो डाटा का क्या करता रहेगा, वेट करता रहेगा। ठीक है, और सेंडर के लेवल पर क्या होगा, ये अज्यूम करेगा कि रिसीवर के एंड पे या तो वो कहीं बिजी हो गया है, क्योंकि पहले जब डाटा पैकेट सेंड किया था वो बिजी नहीं था, रिसीव कर रहा था और तभी उसने नेक्स्ट पैकेट सेंड किया, या फिर क्या हो सकता है कि जो रिसीवर है उसका बफर जो है वो फुल हो गया है। अब रिसीवर के एंड पे जो बफर था वो स्पेस नहीं है, तो जिसकी वजह से जो है एक्नॉलेजमेंट फर्दर नहीं आ रहा है, तो ये सेंडर क्या करेगा, ये वेट करता रहेगा कि कब रिसीवर उसको एक्नॉलेजमेंट सेंड करे सो दैट कि वो नेक्स्ट पैकेट सेंड कर सके। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि सेंडर और रिसीवर दोनों वेटिंग में है। ठीक है, सेंडर किस वेट में कि जो रिसीवर है वो एक्नॉलेजमेंट सेंड करे, और रिसीवर किस वेट में कि वो सेंडर की तरफ से कोई डाटा आए। ठीक है, तो ये क्या होगा, अल्टीमेटली एक स्टेट में पहुंच जाएगा जिसे हम कहते हैं डेडलॉक। ठीक है, तो दोनों ही डेडलॉक की स्टेट में चले जाएंगे और दोनों ही एक दूसरे का वेट करते रहेंगे। तो यहाँ पर इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है कि हम एक ऐड कर दें टाइमर टाइम आउट। ठीक है, उससे क्या होगा, सी अगर यहाँ से सेंडर जब पैकेट सेंड कर रहा है तो ये इस टाइमर को सेट कर देगा, स्टार्ट कर देगा। ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम तक ये वेट करेगा रिसीवर के एक्नॉलेजमेंट की, और अगर इसको वो एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलता है उस टाइम आउट के मतलब टाइमर के एक्सपायर होने से पहले इसको अगर वो एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलता है तो ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, सेम पैकेट को दोबारा रिट्रांसमिट करेगा। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर मैंने दिखाया है कि क्योंकि इसको इस पर्टिकुलर टाइम में जब ये एक्सपायर हो गया तब बीच में कभी भी इसको एक्नॉलेजमेंट रिसीवर के एंड से मिला ही नहीं है, तो ये क्या कर रहा है, फिर से सेम पैकेट को सेंड कर रहा है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, ARQ ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट। मतलब क्या हुआ कि जबकि रिसीवर ने दोबारा से रिक्वेस्ट सेंड नहीं की है फिर भी ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली दोबारा से रिक्वेस्ट, इसको ये एक्सेप्ट कर रहा है कि मुझे दोबारा से पैकेट रीसेंड करना है। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन है इसका, प्रॉब्लम ऑफ लॉस्ट डाटा पैकेट। ठीक है, सेम चीजें मैंने ऊपर लिखी, आप रीड भी कर सकते हैं जस्ट इन केस आपको नोट्स चाहिए। ठीक है, सेकेंड प्रॉब्लम क्या होती है, प्रॉब्लम ऑफ लॉस्ट एक्नॉलेजमेंट। ठीक है, सी अब लॉस्ट एक्नॉलेजमेंट हम ये अस्यूम करके चल रहे हैं कि हमारे पास टाइमर है। ठीक है, और जो सेंडर है उसको पता चल जाएगा कि मुझे जो मेरा जो डाटा है वो सेंड हुआ है नहीं हुआ, या फिर मुझे रीसेंड करना है या नहीं करना है। ठीक है, उसके आगे चलते हैं कि और क्या प्रॉब्लम आ सकती है टाइमर होने के बावजूद। ठीक है, तो सेंडर ने फर्स्ट डाटा सेंड किया, रिसीवर ने क्या किया, क्योंकि इसको पैकेट मिल गया है तो इसने एक्नॉलेजमेंट सेंड किया, बट यहाँ पर क्या हुआ, एक्नॉलेजमेंट लॉस्ट हो गया। पिछले में क्या था, डाटा लॉस्ट हो गया था, यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्नॉलेजमेंट लॉस्ट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर टाइमर खत्म हो गया, एक्सपायर हो गया। ठीक है, तो इसको लगा कि इसको ये डाटा मिला ही नहीं है, तो ये फिर से क्या कर रहा है, डाटा सेंड कर रहा है।
ठीक है। और यहाँ पर क्योंकि एक्नॉलेजमेंट ये सेंड कर चुका है तो रिसीवर इसको किस तरह से ले रहा है, अगेन जो सेम डाटा आ रहा है, डुप्लीकेट डाटा फिर से आ रहा है, ये इसको किस तरह से ले रहा है, ये सोच रहा है कि ये जो है पैकेट आया है नया वो न्यू पैकेट है, ठीक है, मतलब पहला पैकेट अलग था और ये दूसरा पैकेट है, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है कि सेम डाटा इसके पास इकट्ठा हो रहा है, डुप्लीकेट डाटा आ रहा है, ठीक है, जो कि रिसीवर को पता नहीं चल रहा क्योंकि इसे नहीं पता ये जो इसने एक्नॉलेजमेंट सेंड किया था वो कहीं लॉस्ट हो गया, ठीक है। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, सॉल्यूशन क्या है, एड सीक्वेंस नंबर टू द पैकेट, ठीक है। मतलब क्या है कि अगर हम पैकेट पर सीक्वेंस नंबर ऐड कर दे तो यहाँ पर जब ये दोबारा से सेम पैकेट यहाँ रिसीव होगा तो रिसीवर को पता चल जाएगा कि ये सेम सीक्वेंस नंबर का पैकेट है, मतलब क्या है डुप्लीकेट डाटा पैकेट है। तो ये क्या करेगा, क्योंकि यहाँ पर जब ये डुप्लीकेट डाटा पैकेट फिर से सेंड किया गया है तो अगेन जो है टाइमर भी सेट किया होगा, फिर से रीसेट किया होगा, तो उस पर्टिकुलर टाइम के बीच में इसको दोबारा से क्या भेजना है, एक्नॉलेजमेंट भेजना है। इसे इसको क्या पता चल गया कि मेरा एक्नॉलेजमेंट सेंडर को नहीं मिला है, मुझे दोबारा से रीट्रांसमिट करना है। तो ये क्या करेगा, सबसे पहले ये इस डुप्लीकेट डाटा को डिस्कार्ड करेगा और फिर से एक्नॉलेजमेंट सेंड कर देगा, ठीक है, ओके। थर्ड प्रॉब्लम देखते हैं, थर्ड प्रॉब्लम है प्रॉब्लम ऑफ डिलेड एक्नॉलेजमेंट। लास्ट में क्या था, एक्नॉलेजमेंट लॉस्ट हो गया था, यहाँ पर क्या हो गया, डिले हो गया, मतलब थोड़ा लेट हो गया है, ठीक है। तो इसमें केस में क्या होगा, जब जब सेंडर डाटा पैकेज सेंड कर रहा है तो ये टाइमर सेट कर रहा है और अगर इस टाइम के एक्सपायर होने से पहले पहले इसको एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलेगा तो ये क्या करेगा, फिर से डाटा को सेंड कर रहा है, बट क्योंकि यहाँ पर अब हम सीक्वेंस नंबर ऐड कर चुके हैं, ठीक है, डाटा के साथ सीक्वेंस नंबर ऐड कर चुके हैं तो रिसीवर को पता चल गया कि ये डुप्लीकेट डाटा है, तो ये क्या करेगा, इसको डिस्कार्ड कर देगा और फिर से एक्नॉलेजमेंट सेट कर देगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक्चुअल में ये जो फर्स्ट एक्नॉलेजमेंट इसने सेंड किया था ये लॉस्ट नहीं हुआ था, ये लेट अल्टीमेटली इसको सेंडर को रिसीव हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पर जब ये रिसीव हुआ तो इसने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, इसको क्या लगा, ये जो मैंने पैकेट भेजा था इसका एक्नॉलेजमेंट फाइनली आ गया, ठीक है। तो अब क्योंकि फर्स्ट डाटा का एक्नॉलेजमेंट आ चुका है इसके पास तो ये क्या करेगा, D2, क्योंकि एक सीक्वेंस नंबर ये ऐड कर रहा है इसके साथ तो D2 डाटा पैकेट नंबर 2 सेंड कर रहा है, ठीक है। बट जब इसने सेंड किया तो अगेन इसने टाइमर सेट कर दिया D2 के लिए, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, अब यहाँ पर वेट कर रहा है कि जो मैंने सेकंड पैकेट भेजा है उसका एक्नॉलेजमेंट आ जाए। बट यहाँ पर क्या हुआ, क्योंकि यहाँ पर एक्नॉलेजमेंट फर्स्ट वाला डिले होके पहुंच गया और अगेन जब इसने एक्नॉलेजमेंट भेजा है तो सेम एक्नॉलेजमेंट नंबर से इसके पास एक्नॉलेजमेंट आ रहा है, तो इसका मतलब दो दो एक्नॉलेजमेंट आ रहे हैं सेम पैकेट के लिए। और यहाँ पर ये क्या अज्यूम कर रहा है, अगर यहाँ पर इसको दोबारा से एक्नॉलेजमेंट मिलता है तो ये क्या सोच रहा है कि जो अभी मैंने डाटा पैकेट नंबर 2 सेंड किया था उसका एक्नॉलेजमेंट है, जिसकी वजह से क्या होगा कि ये फिर थर्ड वाला डाटा सेंड कर देगा, ठीक है। बट एक्चुअल में क्या हो रहा है कि ये सब मिसकम्युनिकेशन हो रहा है, क्योंकि अभी तक दो बार इसने सेम एक्नॉलेजमेंट रिसीव कर लिया है, जिससे क्या होगा डुप्लीकेट डाटा, मतलब ऑब्वियसली सीक्वेंस नंबर भी वर्कआउट नहीं कर रहा है यहाँ पर कि पैकेट नंबर कौन सा जा रहा है, एक्नॉलेजमेंट कौन सा आ रहा है। यहाँ पर सॉल्यूशन क्या हो सकता है कि हम जो एक्नॉलेजमेंट है उसमें भी सीक्वेंस नंबर ऐड कर दें, सो दैट क्या हमें पता चल जाए जो एक्नॉलेजमेंट आ रहा है वो किस डाटा पैकेट का है, ठीक है। लास्ट टाइम हमने क्या किया था कि डाटा पैकेट में सीक्वेंस नंबर ऐड किया था, अब हम क्या करते हैं जो एक्नॉलेजमेंट है उसमें भी सीक्वेंस नंबर ऐड कर देते हैं, सो दैट के हमें पता चल जाए कि एक्नॉलेजमेंट किस डाटा पैकेट का है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर डिलेड जो है फर्स्ट वाले एक्नॉलेजमेंट आया है तो इसको यहाँ पता चल गया कि फर्स्ट वाला डाटा पैकेट का है, ठीक है। और जब ये दोबारा से सेम पैकेट का एक्नॉलेजमेंट आया, क्योंकि अब हमने सीक्वेंस नंबर ऐड कर दिया है, तो यहाँ पर इसको पता चल गया फर्स्ट वाले का है, सेकंड वाले का नहीं आया जो कि मैंने अभी सेंड किया, तो ये इसको क्या करेगा, डिस्कार्ड कर देगा इस एक्नॉलेजमेंट को, क्योंकि ये डुप्लीकेट है, ठीक है। तो यहाँ पर
सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है ऑलमोस्ट, कि अगर डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट है तो भी पता चल जाएगा, डुप्लीकेट डाटा है तो भी पता चल जाएगा, डिलेड है तो भी पता चल जाएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, प्रॉब्लम ऑफ डैमेज्ड पैकेट। डैमेज्ड पैकेट का मतलब क्या हुआ कि फॉर एग्जाम्पल सेंडर ने कोई भी डाटा पैकेट सेंड किया और वो कहीं बीच में करप्ट हो गया, ठीक है, डाटा थोड़ा लॉस हो गया बट अल्टीमेटली पैकेट रिसीवर को रिसीव हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर वो करप्टेड डाटा यहाँ पर पहुंच रहा है जिसको ये कंपाइल नहीं कर पा रहा है या फिर पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है उस पैकेट में, तो ये क्या करेगा, नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट भेजेगा किसको, सेंडर को, कि जो पिछला डाटा आया है वो करप्टेड डाटा है। तो ये क्या करेगा सेंडर, जब इसके पास नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट पहुंचेगा तो ये नेक्स्ट पैकेट सेंड ना करके अगेन सेम पैकेट फिर से सेंड करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर वही चीज देखी है मैंने, इफ रिसीवर रिसीव ए करप्टेड डाटा पैकेट फ्रॉम द सेंडर, इस सेंड से नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट टू द सेंडर और नेगेटिव रिक्वेस्ट द सेंडर टू रीसेंड द डाटा पैकेट, ठीक है। ओके,